विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा टीम इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान। अभी देखें तो रोहित शर्मा टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा पहले से ही T20 और वनडे में टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा को ही भारत की टेस्ट टीम की कमान भी सौंपी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो ऐसे में अब BCCI अगले कप्तान का ऑफिशियल अनाउंसमेंट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद कर सकता है। इस मुद्दे पर बात करते हुए BCCI के एक अधिकारी ने कहा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि रोहित शर्मा को ही भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा। रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले टेस्ट टीम की वाइस कैप्टनसी सौंपी गई थी, तो उन्हें कप्तान बनाना तय है। ये ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। रोहित पर बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, उनको खुद को बहुत ज्यादा फिट रखना होगा। मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स ने उनसे बात की होगी, उन्हें अपनी फिटनेस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो अब भारत को अगली टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, और श्रीलंका के खिलाफ ये होम टेस्ट सीरीज रोहित शर्मा की फुल टाइम कैप्टन के तौर पर पहला असाइनमेंट हो सकता है। वहीं BCCI लोकेश राहुल और ऋषभ पंत को फ्यूचर कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहता है। अभी इसको लेकर फैसला नहीं किया गया है कि इन दोनों में से किसे वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। इस पर बात करते हुए BCCI के अधिकारी ने कहा, जो वाइस कैप्टन होगा वो टीम इंडिया का फ्यूचर लीडर होगा, चाहे फिर वो लोकेश राहुल हो, ऋषभ पंत हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, ये सभी टीम इंडिया के फ्यूचर लीडर्स।